एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास वन इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 16 आउट ऑफ द गेट। इससे पहले चैप्टर्स करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, आपको स्टोरीज बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। मेरे चैनल पर आपको इंटरेस्टिंग वे में स्टोरीज कराई जाएंगी, उनके न्यू वर्ड्स के बारे में बताया जाएगा जिससे बच्चे क्वेश्चन आंसर्स आराम से भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यू वर्ड्स। केज, CAGE, केज, इसका मतलब होता है पिंजरा। रॉड, रॉड का मतलब होता है लोहे की एक स्टिक से। रोड, सड़क। लुक एट द जू, जू की तरफ देखो। रवि एंड अनिल आर इन द जू, रवि और अनिल कहाँ पर हैं? जू में हैं। ये सारी पिक्चर एक जू की है। जू वो जगह होती है जहाँ बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स। द एनिमल्स आर इन द केजेस, और जो एनिमल्स होते हैं ना वो केज में, पिंजरे में बंद होते हैं। अगर वो पिंजरे में बंद नहीं होंगे तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं सबको। द डक्स आर इन द पॉन्ड, और यहाँ पे एक पॉन्ड है जिसमें हमें डक्स दिखाई दे रही है। डक्स कहाँ पर हैं? डक्स पॉन्ड में हैं। और ये सारा एक जू की पिक्चर है, रवि और अनिल जू में आए हुए हैं। द बॉयज़ आर हैप्पी, और दोनों लड़के बहुत खुश हैं। अनिल ईट्स अ बनाना, अब अनिल क्या करता है? बनाना खाता है। रवि इज़ नियर द केज, और रवि कहाँ खड़ा है? केज, ये पिंजरे के पास खड़ा है। पिंजरे में कौन है? मंकी। मंकी के पिंजरे के पास ही ये रवि खड़ा होगा। टुक, लुक अ मंकी टेक्स आउट टू रॉड्स ऑफ द केज। यहाँ देख कर आपको रॉड का मतलब पता लग गया ना। ये देखिए एक स्टिक टाइप आयरन की, लोहे की, उसको बोलते हैं रॉड। अनिल इसको, रवि को क्या बोलता है? कहते हैं लुक अ मंकी टेक्स आउट टू रॉड्स ऑफ द केज, कि एक मंकी ने टू रॉड्स पिंजरे की निकाल ली, टेढ़ी करके निकाल ली। द मंकीज आर ऑन द रोड, यहाँ से वो उन्होंने रॉड निकाली और जंप करके कहाँ पर आ गए? रोड पर, सड़क पर आ गए। द बॉय सेज हेल्प हेल्प, अब बॉयज़ को तो डर लगने लगा दोनों को, उन्होंने बोला मदद करो मदद करो। वन मंकी इज नियर अनिल, और उनमें से जितने मंकीज थ्री थे ना बाहर आए, एक मंकी अनिल के पास आ गया। अनिल को, अनिल ने क्या दिया उसको? अनिल गिव्स बनानास टू द मंकीज, अनिल ने क्या दिया? अनिल ने मंकीज़ को बनाना खाने के लिए दिए। बनाना तो फेवरेट फ्रूट है मंकी का, सभी बच्चे जानते हैं ना। नेक्स्ट करते हैं, ऑल द मंकीज आर हैप्पी, अब मंकीज़ को बनानास मिल गए, मंकीज़ तो हैप्पी हो गए। अनिल एंड रवि आर हैप्पी टू, और मंकीज़ को खुश देखकर अनिल और रवि दोनों वो भी खुश हो गए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नए और इंटरेस्टिंग वे से आपको पढ़ाने की। तो चलिए इसके बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। वेयर आर द एनिमल्स, अब एनिमल्स कहाँ पर थे इतने सारे? इसका आंसर हम लिखेंगे वेयर आर द एनिमल्स। द एनिमल्स are in the zoo, okay? Second one is where are the ducks? Ducks कहाँ पर हैं? The ducks are in the pond. बच्चों स्टोरी पढ़ने के बाद खुद पहले क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए। What does Anil eat? Anil ने क्या खाया था? Anil eats banana. Next one is what does Ravi give to the monkeys? Ravi ने monkeys को क्या पकड़ाया था जिससे monkeys खुश हो गए थे? Ravi gives bananas to the monkeys. Okay. Next exercise करते हैं। Change the number of the following, one and many.
वन का मीनिंग होता है जस्ट सिंगल चीज़, मैनी एक से ज़्यादा। अब एनिमल्स हैं तो लिखे एस लगा देंगे, एनिमल्स एक से ज़्यादा हो गए। पॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, पॉन्ड्स पी ओ एन डी एस। बनाना, एक बनाना मैनी में क्या आएगा, बनानास बी ए एन ए एन ए एस। रॉड, वन रॉड है मैनी में रॉड्स आर ओ डी एस। मंकी, मंकीज, इस चैप्टर में कितने मंकीज हैं, 3 मंकीज। आई होप आप सबको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।